शराबबंदी के बाद भी अररिया में तस्करों के मनोबल काफी बढ़ते जा रहे हैं। लगातार गिरफ्तारी के बाद भी इनके हौसले बुलंद हैं। उत्पाद विभाग की कार्रवाई में अहले सुबह 3 लोगों को विदेशी शराब के साथ गिरफ्तार किया गया है। अररिया उत्पाद अधीक्षक अमृतेश कुमार ने बताया कि हमें सूचना मिली थी कि किशनगंज से भारी मात्रा में विदेशी शराब की तस्करी कर अररिया लाया जा रहा है। सनमार्ग लाइव के लिए अररिया से सुमन के साथ पटना से धीरज सिंह की रिपोर्ट। आज सुबह सूचना के आधार पर जोकीहाट रोड में किशनगंज से जोकीहाट आते अररिया पहुँचते रोड, उस रोड में वाहन चेकिंग किया गया, जिसमें कि एक मारुति सिलेरियो कार जो है जिसका नंबर BR 11 AD 7279 है, उसको चेकिंग किया गया, जिस पर 3 व्यक्तियों को शराब, विदेशी शराब और बियर के साथ गिरफ्तार किया गया। तीनों, एक रंजीत कुमार विश्वास, एक रंजीत कुमार शाह, एक दीपेश कुमार शाह, तीनों बैरगाछी का रहने वाला है, जो कि है दौलतपुर में, इन लोगों को शराब के साथ गिरफ्तार किया गया। शराब में RS 785 ml का 60 बोतल, IV 35 बोतल, 750 ml किंग फिशर बियर 96 कैन बियर 96 पीस और DSP ब्लैक विस्की 144 पीस। कुल कितना लीटर है? कुल आपका हो जाएगा, जोड़ लीजिए, बोलिए सर, कुल 145 लीटर लगभग शराब जब्त किया गया है और वाहन को भी जब्त किया।